कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मैं बनाना लोफ बना रही हूँ। इसमें मैंने डाला 3 अंडे, ठीक है गाइस? 3 अंडे डाला मैंने। ये अभी लाइट लगा देती हूँ। 3 अंडा डाला मैंने इसमें और मक्खन डाला 5 टेबलस्पून और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आधा टीस्पून से आधा तो ज़्यादा हो गया थोड़ा, ये देखो इससे इतना वाटर, ठीक है, और थोड़ा सा नमक और वेनीला एसेंस 1 टीस्पून, वेनीला एसेंस 1 टीस्पून और चीनी, ये 1/2 कप चीनी डाला मैंने इसमें, ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और 2 केले, 2 केले डाली है मैंने, ठीक है। फिर मिलाते हुए, काटते हुए, मिक्स करते हुए दिखाती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है। अब मैंने सारे मिक्स कर दिया तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और वॉलनट जो है 100 ग्राम डाला, 100 ग्राम से भी कम ही है, 100 ग्राम ही लगा लो, 100 ग्राम डाला मैंने, ठीक है, वॉलनट। अभी इसमें मैं चॉकलेट चिप्स डालूँगी, चॉकलेट चिप्स 1 मुट्ठी भर डाल दूँगी क्योंकि मीठा हो जाएगा ज़्यादा। व्हाइट चॉकलेट डाल रही हूँ, व्हाइट चॉकलेट चिप्स, ठीक है। अभी इसमें डालूँगी 2 कप मैदा, 2 कप मैदा डालूँगी इसमें, डालूँगी पहले 1 कप डाल के मिक्स करूँगी, कम पड़ेगी तब जाके 1 कप और डालूँगी, नहीं तो 1/2 कप डालूँगी, ठीक है गाइस। अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा दूध डालूँगी। अब मिक्स करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखो गाइस, मैंने मिक्स कर लिया और ये चॉकलेट चिप्स डाल रही, 2 कलर का, वाइट और ये वाला चॉकलेट कलर। बस इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं ये लोफ में डाल दूँगी, बनाना लोफ बना रही हूँ मैं, डाल के 45 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, ठीक है गाइस। अभी देखो गाइस, मैंने इसमें डाल दिया हल्का सा, इसमें डाल दिया मैंने हल्का सा, देखो 160 डिग्री में 45 मिनट के लिए। देखो गाइस, मैं ब्रेड बनाने जा रही हूँ अभी। आज ब्रेड की डो में मैं डिनर रोल बनाऊंगी और उसी में जो है क्रोसॉन भी बनाऊंगी, ठीक है। तो ये पानी 1/2 कप, ये 1/3 कप दूध, तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दूध को, दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये डाला, चीनी डाल दिए 1, 2, 3, 4, आज थोड़ी सी 1 चम्मच ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि क्रोसॉन के लिए थोड़ा सा मीठा होता है, वो हल्का सा होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालना क्योंकि मक्खन भी डालेंगे ना, तो मक्खन में थोड़ा सा नमक होता है, इतना डालूँगी नमक ना। और ये ईस्ट, ये वाला यूज़ करती हूँ मैं, ड्राई ईस्ट 1 पैकेट, ठीक है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, ये मिक्स हो गया। अभी इसमें मैं डालूँगी सेम 2 कप मैदा डालूँगी आज इसी कप में,
ये जो कप है ना ये वाला, इसमें 2 कप मैदा डालोगे। ठीक है गाइस, अब गूंदने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें किसी चम्मच में 4 टेबलस्पून टीस्पून बटर डालूंगी। ठीक है, क्योंकि क्रोसो में फिर बटर मेल्ट करके तो लगाना होता ना, तो गूंदने में भी बटर लगाएंगे तो अच्छा सॉफ्ट बनता है डो। तो अभी मैं गूंदने के बाद आपको दिखाती हूँ बनाना ब्रेड जो है, बनाना लोफ जो है ना उधर बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ, तो तैयार हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। ठीक है गाइस, मेरे चैनल को प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कल कोई भाई ने बहन ने माता ने किसने पता नहीं 1 सब्सक्राइब करा इतने दिनों के बाद, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। सब्सक्राइब करो गाइस मेरे चैनल को, लाइक शेयर और बहुत सारे व्यूज़ बहुत सारे चाहिए गाइस मेरे चैनल को, है ना गाइस। और अगर कोई भी भूल चुक हो, कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं शॉर्ट चैनल में आप लोग को ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि आजकल कितनी सारी बीमारियां आ रही है, बहुत तेज़ बुखार हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, और सब चीज़ों के लिए मैं नुस्खे बताऊंगी, उसको खाने से पीने से जो है ठीक हो जाते हैं लोग। तो मैं शाम को घर जाने के बाद उसके बारे में बताऊँगी गाइस, आप लोग देखना ज़रूर और मेरे वीडियो को पूरा पूरा देखना गाइस, आधे में छोड़ के मत चले जाना, ऐसी मत करना। आप लोग की सपोर्ट कर सकते हो ना, आप लोग की सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं कर सकती हो। मुझे भी बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ये मेरा सपना है, मेरे यीशु पिता ज़रूर मेरा ये सपना पूरा करेंगे, आप लोग भी करेंगे, है ना। आप लोगों के साथ मेरे यीशु पिता मेरे साथ हैं, तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करना गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब, बहुत सारा व्यूज़। गाइस थैंक यू गाइस, मैं अभी बाद में मिलती हूँ ये ब्रेड का डो गूंदने के बाद। ओके, मैंने डो बना लिया, ठीक है गाइस, जब अभी रेज हो जाएगा तो दिखाऊंगा, जबकि इतनी सॉफ्ट डो गूंदना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ रख देती हूँ रेज होने के लिए कपड़ा ढक के। ये नीचे ओवन है, ये ऊपर स्टोव है, तो इसी में थोड़ा सा गर्मेंस है तो मैंने इसमें रख दिया। अगर सर्दियों में जो ये जो डो जल्दी रेज नहीं होता तो आप ओवन को प्री हीट करके ऑफ कर देना, तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में होगा ना, जो बिल्कुल गुनगुना, तब ओवन में रख सकते हो। अगर नहीं है तो माइक्रोवेव में, अब माइक्रोवेव को ऑन करके बंद कर दो, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसको रख देना। 5-10 मिनट के अंदर आपकी ये जो डो रेज हो जाएगा और आपकी ब्रेड भी जल्दी बन जाएगा। तो ये रेज हो जाएगी तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, मेरा बनाना ब्रेड तैयार हो गया, इसको बनाना लोफ भी बोल सकते हो, बनाना ब्रेड भी बोल सकते हो। ठीक है गाइस, ये देखो आप टी टाइम में खा सकते हो इसको, बहुत टेस्टी होता है। वॉलनट चॉकलेट चिप्स बनाना लोफ, ठीक है गाइस, आप लोग को बनाना रेसिपी देख के बना लेना। अभी मैं डिनर रोल और क्रोसो बना रही हूँ, जब बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। ठीक है गाइस, देखो गाइस डो रेडी रेज हो गया, तो अभी थोड़ा सा और मैं इसको अच्छी तरह गूंद लेती हूँ, हल्का सा मक्खन डाल के, तो और अच्छा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर थोड़ा डिनर रोल भी निकाल लेती हूँ, आज ब्रेड नहीं बनाऊंगी, छोटे छोटे डिनर रोल बना लूंगी। ठीक है, और आधा डो का जो है वो बना लूंगी, दो तीन बनाऊंगी। टीस्पून करीब मक्खन लेती हूँ, फिर इसको अच्छी तरह भून लूँगी। ठीक है गाइस,
दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो भाई, ये डिनर रोल के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। दिन की तरह नीचे काउंटर में नहीं हो गया। ज्यादा नहीं बनाऊंगी डिनर रोल, ये दो दिन के लिए होता है आज के लिए। देखते हैं, ठीक है ऐसे ही सब बन जाएगा, फिर दिखाते हैं। देखो भाई, क्रोसम बनाने के लिए मैंने ये सारे रोटी की तरह बेल लिया, बेल के मैंने रख लिया, ठीक है। अभी आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें मक्खन ब्रश करना है, मक्खन ब्रश करो अच्छी तरह, हर एक लेयर में मक्खन ब्रश कर करके आपको रखना है। मैं इसमें अच्छी तरह मक्खन ब्रश कर रही हूँ। समझ आ गई आप लोग को, ये ऐसे करना है, बराबर से होना चाहिए ये गोला जो है ना। एक बार और ब्रश करना है, हर एक लेयर में अपने बटर ब्रश करना है। ये आसान है क्रोसम के लिए, ज़्यादा नहीं कम। अभी एक लेयर और रखो, ठीक है गाइस, और इसको बराबर से थोड़ा थोड़ा दूर होने से थोड़ा खींच के लगा दो, ठीक है। और जिसके पास अवन नहीं है ना, वो घर पे फिकर नहीं करना, आप लोग कढ़ाई में भी बड़ा सा कढ़ाई होता है ना, मैं भी बना सकती हूँ गैस के ऊपर, और पतीला बहुत बड़ा है, उसको प्रीहीट करके जब बेक करने जाओगे तो लो मीडियम में आपने बेक करना है, 30 या 25 मिनट में बेक हो जाता है। लेकिन उसमें स्टैंड रखना, आपको कढ़ाई गर्म हो जाएगी या पतीली गर्म हो जाएगी उसके अंदर स्टैंड रख के जिसके ऊपर आपको रखना है डिश, जो बेकिंग डिश होती है उसके ऊपर रखने है, स्टैंड के ऊपर रखना है पतीला, फिर स्टैंड, फिर बेकिंग डिश करके उसके ऊपर कवर कर देना है लो फायर में, मीडियम लो में। पहले बहुत ज़्यादा गर्म करना है, फिर लो कर देना मीडियम लो में, फिर बेक करना। आराम से बन जाता है, केक भी बन जाता है, ब्रेड भी बन जाता है, क्रोसम भी बन जाता है, मफिन भी, सब कुछ बन जाता है विदाउट ओवन पतीला में भी, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताती हूँ, आपने देख लिया ना वो डो कैसे गूंदा वो सब, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाती है ना, कोई इंटरेस्ट लेके नहीं देखता है, इसलिए शॉर्टकट में दिखाती हूँ गाइस, जब बन जाएगी मैं दिखाती हूँ। ओके गाइस, देखो गाइस मैं चॉकलेट वाला क्रोसम बना रही हूँ, चॉकलेट से रख के इसको अच्छी तरह रोल करना है, ठीक है। बनने के बाद मैं दिखाती हूँ, ये ट्रे है ना इरेज बन के रखा मैंने, इरेज हो जाएगी तो फिर बेक करेंगे। ओके गाइस, बन जाएगी मैं दिखाऊँगी। देखो गाइस तैयार हो गया डिनर रोल, क्रोसम, एक प्लेन क्रोसम बनाया, तीन चॉकलेट क्रोसम, ये बनाना लो बनाया, वॉलनट बनाना लो,
है मम्मी बेकरी में, ये मॉम बेकरी है, मॉम बेकरी छोटा सा मेरा बेकरी है, मैंने ये बनाया। तो गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। बाय गाइस, डिनर का टाइम पे मिलती हूँ। बाय गाइस, थैंक यू, वन लाइक वन शेयर वन सब्सक्राइब, बहुत सारा व्यूज, लॉट्स ऑफ व्यूज, सपोर्ट माय चैनल गाइस, थैंक यू गाइस। ये देखो पास में से दिखाती हूँ, देखो गाइस मैं टोटियाँ बना रही हूँ, ये जिंजर गार्लिक टोटियाँ के लिए स्टफिंग बना रही हूँ, सॉल्ट पेपर और सोया सॉस, अभी इसको अच्छी तरह सौते करना है, अच्छी तरह सौते करना है, सोया सॉस जिंजर गार्लिक सॉल्ट पेपर, ये और उसके सारे सब्जियाँ, लाल चिली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, ग्रीन अनियन, टमाटो, ऑनियन, मशरूम, लाल चिली शिमला मिर्च, हरी चिली, लाल ग्रीन अनियन और ऑनियन, एक ऑनियन, मशरूम, टमाटो और टाको स्पाइस, पत्ता, केचप, ओयस्टर सॉस, सोय सॉस, नमक स्वाद अनुसार, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को दोबारा, तो गाइस सभी सारी सब्जियाँ डाल दिया मैंने, ठीक है, डाल दिया हमने सारे बीज को अच्छी तरह सोते करना है, फिर उसके बाद ये सॉस डालना है, ये सोया सॉस, केचप, केचप, ओयस्टर सॉस और ये मसाला क्यूमन पाउडर भी अभी ये डालना है, अभी ये देसी देसी स्पून में डालना है, ठीक है। मैं आप लोग को बनने के बाद दिखाती हूँ और पेपर और नमक स्वाद अनुसार, ठीक है गाइस। आइए गाइस खाना खा लीजिए, टोटिया रेडी हो गया और टोटिया का ब्रेड है ये, और उसमें डाल के सब्जियाँ डाल के खाने के लिए, सब्जियाँ मतलब लेटेस, ये कुकम्बर सलाद, पिकल, कुकुम्बर, टमाटो, ऑनियन और ग्रीन कैप्सिकम, सालसा, ये सालन क्रीम और ये चटर चीज और ये जो चिकन स्टफिंग, ठीक है, और ये सब दिखा दिया, ये देख लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइस, बहुत सारे प्यार देना इस खाने के लिए, थैंक यू गाइस। ये दुकानें लगी हुई है, देखो कितनी भीड़ लगी है आज, दिल्ली में इतनी जाम लग रही थी, कम से कम डेढ़ घंटा लग गया बस में, और इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देखो सजाने वाली चीज़ें, कपड़े, मार्केट इतना अच्छा सजा हुआ है दिवाली के लिए, दिवाली स्पेशल मार्केट लगी है, देखो गाइस, देखो आप लोग भी इंजॉय करो दिवाली के लिए, शॉपिंग करो, इतना अच्छा है सब चीज़ें, है ना, आप लोग भी देखो दिवाली स्पेशल, हर एक चीज़ मिल रहा है वहाँ पर, झूमर है सजाने की, ये डोर बंद है, ये सारे चीज़ें मिल रही है वहाँ पर, पर्दे हैं, लक्ष्मी गणेश और कपड़े, नए नए कपड़े हैं और हर एक चीज़ मिल रहा है वहाँ पर, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, हर एक चीज़ मिल रहा है वहाँ पर, इतना सुंदर सुंदर कपड़े,
सुंदर चीज़ें मिल रही है। पूरा बाज़ार सजा हुआ है, देखो कितना सुंदर सजा हुआ है। और इतना भीड़ हो रही है, पूछो मत, आज हद से ज़्यादा भीड़। और मैं रिक्शे में आई हूँ, रिक्शा भी मिल नहीं रहा था आज। इतनी दूर से एक डेढ़ घंटा बस में चढ़कर, उसके बाद बस से उतर के रिक्शा के लिए मैं ढूंढ रही थी, रिक्शा नहीं मिला। आधे रास्ते पैदल आई, आधे रास्ते के बाद रिक्शा मिला, उसके बाद फिर जाम में फंसी। और इतना जाम हो रहा है, इतना जाम हो रहा है आज, मतलब पागल करने वाला जाम था आज दिल्ली में। बसें नहीं आ रही, जगह जगह पर इतना जाम, पता नहीं ऐसी क्या हो गया है।